वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम चंद्रशेखर है और थैंक यू मुकेश जी फॉर गिविंग मी दिस चांस टू स्पीक टू सो मेनी लेडीज टुगेदर. मैं एक अपनी पत्नी के सामने तो बोल नहीं पाता हूँ, इतनों के सामने में बोलने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी. मैं ट्राई करता हूँ. और द गुड चांस इज दैट आई एम ऑल्सो वेयरिंग पिंक टुडे विच इज सिम्बॉलिक ऑफ विमेन. इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट आई टुक अप दिस शर्ट. काफ़ी बातें हो चुकी होंगी सुबह से, आई वॉज नॉट हेयर सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. पर मुझे लगता है कि दो तीन चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि टू बी एन एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है कि कुछ हमें क्वालिटीज़ चाहिए होंगी. और मैं ये जेंडर स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर रहा हूँ, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल यू नीड दीज क्वालिटीज़. तो जो सबसे पहले मैं सोचता हूँ, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, बिजनेस पीपल से मिलता हूँ, सबसे पहले जो चीज़ है वो है विजन, कि आपके अंदर क्या कल के बियॉन्ड देखने की क्षमता है. आज की तारीख में जो डायनेमिज्म है सोसाइटी का, डिमांड्स चेंज हो रही हैं रोज़ के बेसिस पे. आप कोई भी ऐसा बिजनेस अगर बहुत बड़ी लागत से लगा रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा क्या ये बिजनेस मेरा कल के बजाय परसों भी चलेगा या नरसों भी चलेगा. और यस सर्टेनली इफ देयर इज अ डिमांड तो आप वो चीज़ लॉन्च करेंगे, पर क्या वो अमेंड हो सकेगा विथ कमिंग डिमांड्स और चेंजिंग डिमांड्स. तो आपको सबसे पहले अपने विजन को देखना पड़ेगा कि कैन आई सी बियॉन्ड टुमारो. एक छोटा सा आपसे उदाहरण देता हूं मैं आपको कि अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, आप सब कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, और कौन से ब्रांड की कॉफ़ी पीते हैं आप? जनरली वी यूज नेस कैफे. सो कैन वी कमेंट ऑन द मार्केट शेयर ऑफ नेस कैफे इन नॉर्थ इंडिया? लेट्स टॉक अबाउट हिंदी बेल्ट, महाराष्ट्र, एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे 6-7 अगर हम स्टेट्स लें नॉर्थ इंडिया के, तो इनमें मार्केट शेयर नेस कैफे का कितना होगा? एक गेस करिए, ये तो एक परसेप्शन की बात है. एनीवन? 70? ओके, यू बी सरप्राइज, इट्स अबाउट 92% इन ऑर्गेनाइज कॉफी. अगर हम ऑब्वियसली वी आर एक्सक्लूडिंग कैफे कॉफी डेज एंड बरिस्तास, सो जो आपकी होम कॉफी है उसमें 92% मार्केट शेयर है, यानी बचता है बाकियों के लिए 8% ब्रू, सनराइज और एक दो शायद और ब्रांड्स होंगे. विथ अ ह्यूमंगस मार्केट शेयर ऑफ 92%, नेस्कैफे स्पेंड्स अबाउट 250 crores एवरी ईयर ऑन एडवर्टाइजिंग इन दिस रीजन. क्यों ऐसा करते होंगे वो? ब्रांड रिकॉल, यस, ओके. एनी अदर आंसर? गुडविल, गुडविल, ब्रांड रिकॉल, डिमांड, मार्केट में बना रहे टू मेंटेन, टू सस्टेन योर ब्रांड मार्केट शेयर. कॉम्पिटिशन को उसको रोकने के लिए, गुड. सो दिस इज वॉट वी नॉर्मली सी. ये कहते हैं नेकेड आई विजन, यही है. अब जरा आंखें बंद करके सोचें, नॉर्थ इंडिया में कॉफी का मार्केट शेयर 8% है, 92% मार्केट शेयर है चाय का. सो आई डोंट एडवर्टाइज फॉर माई कॉफी ड्रिंकर्स, I advertise to convert the tea drinkers to coffee. आप सोचिए जो 92% चाय पीने वाले लोग हैं, अगर वो दिन में एक प्याला भी अपनी चाय की जगह कॉफी पीने लगे तो कहां पहुंचेगा मार्केट शेयर. सो the आइडिया इज टू हैव दैट विजन कि हमें जो आज दिख रहा है, गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया, पेपर पढ़ते ही उसको देख के बना ले कि आज इस बिजनेस में हो रहा है. अभी बिहार में बहुत बड़ा डिसीजन लिया नीतीश कुमार जी ने, शराब बंद कर दी. यूपी बॉर्डर पे कुछ रिजॉर्ट्स खुल गए हैं, यूपी बिहार बॉर्डर पे कुछ रिजॉर्ट्स खुल गए हैं, वीकेंड रिजॉर्ट्स हैं, लोग शाम को वहां आते हैं, दे एंटर, दे स्पेंड द नाइट देयर. अब आप देखिए कि एक एक बिजनेस जिसने एक डिसीजन जिसने कईयों का बिजनेस खराब किया, उसने कईयों को एक बिजनेस आइडिया दे दिया. तो आपको क्या करना, जब विजन की हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये कि कोई भी निर्णय गवर्नमेंट का आ रहा है, कोई नए चेंजेस आ रहे हैं, वेदर देखते ही मौसम के साथ. मैं कभी कभी एक शेर कहता हूं कि हम एंटरप्रेन्योर्स को सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बड़ा खराब शब्द है, अपॉर्चुनिस्ट होना, मौका परस होना, अवसरवादी होना, ये बड़ा खराब शब्द है. लेकिन मेरा मैं कुछ लिख लेता हूं तो आपको साथ एक शेर के साथ शेयर करता हूं कि जरूरी हो भी जाती है कभी मौका परस्ती भी, जरूरी हो भी जाती है कभी मौका परस्ती भी, हथौड़ा गर्म लोहे पर ही बेहतर चोट करता है.
तो आपको गर्म लोहा देखना पड़ेगा कि कहां पे है, तभी आप वहां चोट करेंगे। और ये आपको दिखाएगा कोई नहीं, हमें खुद ही आंखें कान खोल के रखना पड़ेगा कि कहां पे मुझे मौका मिल रहा है बिजनेस का। आप सब लखनऊ के हैं ज्यादातर लोग, हाउ मेनी ऑफ यू लिव इन एंड अराउंड चौक, एनीबडी फ्रॉम चौक एरिया? आप हैं चौक से, ओके। चौक में जो कोतवाली है उसके ठीक सामने एक खस्ते वाला बेचता है, जो कि एक बक्से में स्टील के बॉक्स में, हम लोग सब लोग ने शायद वहां जाके खाया हो, बहुत टेस्टी। जो लोग नहीं खा पाए अब तक जाके खा सकते हैं अब। ही इज नॉट पेइंग मी फॉर दिस एडवर्टाइजिंग बट स्टिल आई एम डूइंग इट फॉर हिम। तो वो जो खस्ते बेचता है उसमें लाइन लगती है, और मैंने भी बहुत कभी सुना नहीं था, मुझे किसी ने, मेरे मित्र ने बताया कि वहां खस्ते वाला मिलता, वहां जाना जरूर। मैं गया तो वाकई वहां 15-20 लोग लाइन में लगे थे। अब लाइन में लगा नहीं जाता है, और वो भी खस्ते के लिए बड़ा मुश्किल है। कुछ कोई और चीज़ों तो शायद लाइन में लग जाएं, बट खस्ते के लिए लाइन में क्यों लगें? तो मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी, मौका ढूंढें। तो उसके बगल में एक और खस्ते वाला बैठा था, सेम सेटअप, उसके पास भी बक्सा था, उसके पास भी वही वैसे ही खस्ते थे, पर उसके पास कोई जा नहीं रहा था। मैंने कहा कि यार बगल बगल बैठे हैं कि जैसे होंगे, मैंने इसी से ले लेते हैं। तो मैंने लेने लगा तो मैंने पूछा कि ये बताओ तुम्हारे खस्ते में कोई कमी है क्या? बोलता नहीं। तो मैंने कभी यहाँ क्यों बैठे हो जब यहाँ तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है, यहाँ फेमस वो है, तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कहता आप नहीं समझेंगे। मैंने कहा समझाओ। कहता अभी थोड़ी देर में इसके खत्म हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि व्हाट अपॉर्चुनिज्म, और एकदम बिजनेसमैन को ऐसे ही सोचना चाहिए, कहां मेरा मौका निकलता है। चेन्नई में जब रजनीकांत की फिल्म रिलीज होती है तो एक तो नई फिल्म लगती है, मान ली 20-22 हॉलों में नई फिल्म लगी, आगे 30-40 हॉल में पुरानी लग जाती है, क्योंकि वहां पे एक भ्रांति फैली हुई है कि अगर घर से रजनीकांत की फिल्म देखने निकले और बिना देखे लौट आए तो बुरा अपशकुन होगा। सो इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन द न्यू फिल्म, यू बाय अ टिकट फॉर समथिंग, तो वो फिल्म लगा लेते हैं और कुछ ना कुछ उससे भी बिजनेस कमा ही लेते हैं। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू बी नंबर वन, समटाइम्स यू कैन बी नंबर टू एंड स्टिल अर्न लॉट ऑफ मनी। तो पहली बात है विजन की, जो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो मैं ये कहता हूं कि हमारा कम्युनिकेशन सेंस बहुत जरूरी है, कि हम कहां पर क्या बोलें, कैसे बोलें, और उससे ज्यादा जरूरी है कि हम सुने। और सुनने का जब मैं मतलब कहता हूं कि एक फिल्म आई थी न्यूयॉर्क, अगर आप लोग को ध्यान है, नील नितिन मुकेश ने उसमें एक बहुत अच्छा सा गाना गाया था, कैन समबडी रिकॉल दैट सॉन्ग? वेरी गुड, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने क्लाइंट से यही कहना है, जो वो मांग रहा है वो तो ठीक है, जो वो नहीं मांग रहा है वो भी उसको बेचना है। उसकी डिमांड क्रिएट करनी है, उसकी डिमांड को रिकॉग्नाइज करना है, और उसके दिल में आ रहा है, उसके चेहरे पे आ रहा है। जो एक अच्छा दुकानदार होता है वो चेहरा देख के पहचान जाता है कि आपको क्या चाहिए। सो कम्युनिकेशन इज अबाउट टू वे, वन हाउ डू वी से थिंग्स। हमें एक्सप्रेसिव होना चाहिए, हमें साफ साफ कहना चाहिए, हमें स्पष्ट होना चाहिए, और कहीं कहीं हमें डिप्लोमेट भी होना चाहिए कि हर जगह हर चीज नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप बहुत स्पष्टवादी भी बन जाते हैं तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। अगर मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा क्लाइंट नहीं पसंद करता है मोदी को, तो मैं कहता हाँ हाँ बहुत बेकार आदमी। तो कभी कभी करना पड़ता है, या एटलीस्ट ये मत बोलिए बेकार आदमी है, चुपचाप रह जाइए, एक दो खून के घुट पी जाइए, क्या बोल सकते हैं, करना पड़ता है। सो समटाइम्स यू आर कम्युनिकेशन स्पीकिंग एट द राइट, स्पीकिंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द सेकेंड पॉइंट। तीसरी चीज जो मैं कहता हूँ ये है कि उसको भी मैं एक उदाहरण की दृष्टि से कह के देखता हूँ। अगर आप सबके पास एक, चलिए उस तरफ आप लोग बैठे हुए हैं, और मान लीजिए यहाँ पर एक बास्केट लगी, जो बास्केटबॉल वाली होती है, और आपको बास्केट में बॉल डालनी है, छोटी बॉल ले लेते हैं, यहाँ पर सोचेंगे आप बड़ी बॉल तो अभी सर डर रहे होंगे कि ये तोड़वाने के इंतजाम कर रहे हैं अभी। छोटी सी बॉल है आपको डालनी है, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ से डालेंगे तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ से डालेंगे 20 मिलेंगे, फिर 30, 40, 50, 60, 70, आपको 3 चांसेस मिलेंगे, और जितनी बार आप डालेंगे उतना ही पैसा आपका इनकैश हो जाएगा, पर आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी और डालने पड़ेंगे। गेम्स आपने मेलों में देखे होंगे। सो लेडीज टेल मी विच पॉइंट विल यू चूज इफ यू गेट 3 चांसेस? यू गेट 10 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, 20, 30, 40, 50 एंड 60 फ्रॉम द लेडी सिटिंग इन ब्लू, विच पॉइंट विल यू पिक अप? यस मैम,
The first point. You pick up that one? You want to earn 60? Okay, how many of you will choose 10 or 20? 10 or 20, let's say. Okay. Now, all those who choose 10 and 20 are safe players. The safe players, kam khao, gam khao. All those who are choosing, sorry for this, but all those who are choosing 60 are gamblers. Chala gaya to lottery lag gayi, nahi gaya to koi baat. But if you're choosing 30 and 40, your term would be, you're a calculated risk taker. Aur ab katai jab tak challenges nahi ho, entrepreneur to nahi ban sakte. Suppose I asked you to chaliye aap ek race mein daudte hain hum log. I'm sure aap log kabhi man se kabhi beman se daudna chahenge. Or you want to play a game against a team, and what you realize that in this race, the participants are from class 1 and 2. Will you like to run with them? You won't. Because they are not posing any threat or challenge to you. Unless until see, ye human nature hai, agar hume thoda sa excitement nahi hota hai, jab tak thoda sa khone ka dar nahi hoga, hum payenge nahi. I was traveling to Delhi, Shatabdi se mujhe jana tha, aaj se 10-12 saal pehle ki baat hai. Aur meri अगले दिन सुबह चेन्नई की फ्लाइट थी दिल्ली से विथ माई टीम. यहाँ कुछ काम करते कुछ मैं हूँ भी उस स्वभाव का और कुछ किस्मत खराब थी. जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा ट्रेन ने अपना पीछे वाला हिस्सा मुझे दिखाया. बहुत खलता है जब ट्रेन आप एक बार छूट चुकी है तो ठीक है, छूटते हुए देख के बहुत खलता है. अब क्या करें, तो मेरा ड्राइवर मेरे साथ सामान पकड़े हुआ था. बोला साहब कानपुर में कितनी देर पहुँचेगी ये? तो हमने कहा 1.5 घंटा तो लगेगा कम से कम, और वहाँ 15-20 मिनट रुकेगी भी. हाँ तब इंजन चेंज होता था वहाँ पे, इलेक्ट्रिक लगता था डीजल से. तो मैंने कहा हाँ वो 20 मिनट रुकती है. कहता 1.25 घंटे है ना अपने पास. मैंने कहा है साहब 1000 रुपये दो तो पहुँचा दें. मैंने कहा एक चीज़ सुन लो, अगर हम कानपुर गए तो हमारा जो एक चांस है कि हम फ्लाइट पकड़ सकते हैं वो भी चला जाएगा. हाँ कि फ्लाइट वॉज कॉस्टिंग अबाउट 8000 रुपीज़, तो मैं वो बचाना ही चाहता था, तो ये 1000 रुपये सस्ते लग रहे थे मुझे. तो मैंने कहा देखो अगर नहीं पहुँचा पाए तो ये भी चला जाएगा, तब तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा. कहता है साहब वो 8000 हमसे ले लेना. आई हैड नो चॉइस, मैं बैठा और उसने दबा दिया एक्सलेटर, पहुंचा दिया भाई साहब. 10 मिनट बचे थे ट्रेन जाने के. मैंने बड़ी खुशी से उसको 1000 रुपये दिए. फिर मैंने पूछा, उसका नाम था भुल्लर, मैंने कहा भुल्लर तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 4000. हमने कहा ये 8000 हमको देने पड़ जाते तुम्हें तो महीना खर्चा कैसे चलता? तो बोलता आपको क्या लगता है ये 1000 रुपये पाने की खुशी पहुंचाया है? इसलिए पहुंचाया कि 8000 चले ना जाए. Sometimes it's unless until you see the fear of loss, you don't bring out your best. अगर आप वही करते रहेंगे इसमें कोई नुकसान नहीं है तो आपका अच्छा खासा अंतर का पोटेंशियल अनएक्सप्लोर रह जाएगा. तो कभी कभी नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी हमारे पास ज्यादा फायदे आते हैं. सर एम आई राइट और नॉट? ठीक है, तो ये आपके ये मेरा तीसरा पॉइंट हुआ कि आपको वो करना है. चौथा जो पॉइंट है वो है कि ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल पॉइंट है, विश्वास. जो आप करने जा रहे हैं उस पर आपको 10 लोग बताएंगे कि ये नहीं चलेगा, और 10 ऐसे भी होंगे जो चलाने नहीं देंगे आपको. ठीक है ना? और इन अ मैन्स वर्ल्ड इट्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यू ऑल, बिकॉज मेन अज्यूम कि जो तुमने सोचा तो गलत ही होगा. You know, the men and women think differently. आपको बहुत ताजुब होगा जान के कि मारुति ने एक ही सेगमेंट के 4 ब्रांड बना रखे हैं. मिडिल सेगमेंट में दे हैव 4-5 ब्रांड्स. कैन यू नेम देम? लेट्स टॉक अबाउट हचबैक कार्स. सो आई थिंक दे हैव 4-5 ब्रांड्स. रिट्स है, स्टार है, वैगन आर है, स्विफ्ट है, और भी 1-2 गाड़ियां हैं उस ब्रांड उस सेगमेंट में. सो वाई वुड दे हैव 5 कार्स विद सेम सेगमेंट? मैंने उनसे पूछा एक दिन. He said कि husband and wife don't want to drive the same brand. तो अगर husband ने Swift ली है तो wife जाती है Hyundai खरीदने, तो वो Hyundai में ना जाए तो हम ही ने उसको यहां पे ऑप्शन दे रखा है. और vice versa also होता होगा कि जब जब wife ने एक खरीदी तो husband वो नहीं चाहता ब्रांड.
सो वी थिंक डिफरेंटली एंड आपका बिजनेस आते ही कोई ना कोई पुरुष या महिला आपको बोलेगा कि ये चलने वाला नहीं है. सो आपका कन्विक्शन कि दिस इज समथिंग आई थॉट ऑफ, वो आपको आगे लेके जाएगा. और यहां तो हम लोग बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं क्योंकि कंसल्टेंसी हमारा काम है देना. और सर ने अभी एक बात कही बहुत अच्छी है कि हम सलाह देते हैं, हम कंपेल नहीं करते आपको. तो हमारा काम है, हमें जितनी समझ है बिजनेस की उसके अनुसार हम आपको सलाह दे देंगे ये अच्छा ये नहीं. बल्कि हम सलाह देने से पहले हम आपको रीजंस भी बता देंगे कि हम अगर ये कहने कि ये नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा, ये भी हम आपको बता देंगे. उसके बाद फाइनल, अगर उसके बाद भी आपका कन्विक्शन है कि नहीं ये चल सकता है, यू मोस्ट वेलकम टू डू दैट. और उस समय आपका डिटर्मिनेशन काम करेगा. अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने क्लाइंट के ऊपर भरोसा रखिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा रखिए भले ही ना रख पा रहे हो. और मतलब प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, आज ये है कल कोई और हो सकता है, जो भी मतलब देश की सरकार के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि अगर हम सरकार पे भरोसा नहीं करेंगे तो देश पे भरोसा नहीं करेंगे. और चौथा, उस पर भी भरोसा रखिए क्योंकि वो भी, उसका भी रोल बहुत होता है काम करने में. तो व्हेन यू हैव सीरीज ऑफ बिलीव्स, उस पर भरोसा कैसे आता है मैं आपको बताऊं कि जब हम रिस्क की बात करते हैं, एक छोटा सा किस्सा और है कि सर मुझे बता दीजिए जब मेरा काम टाइम पूरा हो जाए तो. सो ठीक है, मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ इस बात पे कि विश्वास की जहां तक बात है, मेरे एक बॉस थे, उनके हाथ में एक अंगूठी थी नीले रंग की, नीलम की, बड़ा सा पत्थर था, 16 रत्ती का तो होगा कम से कम. तो मेरे, आई एम वेरी क्यूरियस, डू आई डोंट वेयर इन स्टोन्स, बट आई वाज वांटिंग टू नो कि है क्या, इससे कुछ फायदा हुआ. तो वन डे आई, मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, सर इससे कुछ फायदा हुआ है? दिस चेंज माई लाइफ. आई सेड लाइक व्हाट? ही सेड मेरे पास जॉब नहीं थी करीब 6 महीना, मैंने ये स्टोन धारण किया और एक हफ्ते के बाद मुझे जॉब ऑफर आ गई. मिरेकल. एंड नीलम के बारे में आपने सुना होगा, इट्स अ मेक और ब्रेक स्टोन, अगर ले जाता है तो वहां ले जाता है, पटकता है तो बहुत नीचे पटकता है. और मेरी वाइफ की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी, नाउ शी इज फाइन. मेरे सन्स का बिजनेस नहीं चल रहा था, तो ये नीलम पहन के मुझे बहुत फायदा हुआ है. आई वॉज अबाउट टू बाय वन. एक दिन वो मेरे साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, हमारी टक्कर हुई, हम गिर गए, चोट एकदम नहीं आई लेकिन वो स्टोन दो टुकड़ों में टूट गया. उनको बहुत गुस्सा आई और कहते हैं कि वो अपने ऊपर ले लेता है ना कुछ कैसे करते. तो मैंने उनको यही समझाने की कोशिश की कि आप बच गए तो चलाओ तो तुम ही रहते, मैं क्या बचा. हाँ सर, तो व्हाट विल आई डू नाउ विदाउट दिस स्टोन, आई कांट लिव. मैं चलिए दूसरा ले लीजिए, हु विल पे फॉर दैट. मुझे एकदम अंदाजा नहीं था कितने का था, मैंने कहा मैं खरीद देता हूँ. हम जुगल किशोर जुगल पहुंचे, हमने कहा कि ये, मैंने पूछा सर कितने रत्ती का, बोले 16 रत्ती का. मैंने पूछा भाई नीलम क्या हिसाब है आपका, तो बोले 3,000 रुपये. तो मैंने कहा दे देते हैं, फिर धीरे से जोड़ा प्रति रत्ती, तो 3 का सीधे 48,000 हो गया. तो मैं चुप हो गया. उसके बाद मैंने कहा कि, मैंने कहा एक चीज़ बताइए, ये दो टुकड़ों में टूट गया, इसको कुछ घिस घिसा के छोटे छोटे दो बना सकते हो? कहता हाँ ये हो जाएगा, दीजिए. देखा फिर बोलता है ये कहाँ से लाए थे? तुमने पूछा सर कहाँ से लाए थे? बोले बैंकॉक से.